सासु ससुर का हो, तो एक बहसो मुबाइल सा छिड़ जाता है, ये देखे बगैर कि बच्चे बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, उन पर क्या असरा होंगे। तो आप क्या समझेंगे कि इस तरह का जो माशरा है कि घर में बच्चों को इस चीज़ से अलग रखना चाहिए कि नहीं, या बच्चे मौजूद हों, अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर आपस में कोई बहस मुबाहिसा कर रहे हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो घरेलू कामकाज के हवाले से हो या माशरती सिस्टम के हवाले से हो, पैसा ना होने की वजह से हो या नौकरी ना होने की वजह से हो, किसी किस्म का कोई भी हो, तो उसके बच्चों के जो असरात होते हैं वो बच्चे इस बहस मुबाहिसे को किस अंदाज से लेते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए घर में अगर हम जाते हैं तो मियाँ बीवी हो या फिर बच्चों के लिए वालदैन हो, उनके 100 मामलात होते हैं आपस में। उन्हें वो अपने तमाम मामलात अपने अंदर ही हल करने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों की तरफ उस चीज़ को लाए। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो इसलिए जब हम अपने घर के अंदर अगर मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि एहतराम का पहलू मद्देनजर हो। हम जब अपने घर के माहौल में गालियों पर उतर आएंगे ना, एक दूसरे को मियाँ बीवी को गाली दे रही है, बीवी अगर सामने नहीं दे सकती तो पसे पुश्त गालियाँ दे रही है अपने शोहर को बच्चों के सामने, तो इसका सबसे पहला असर बच्चों पर क्या पड़ता है? जाहिर है मनफी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। रिस्पेक्ट बच्चों के दिल में एक तरफ की खत्म हो रही है, जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों की खत्म हो रही है, और उनके दिमाग के अंदर ये चीज परवान चढ़ रही है कि यार ये तो ऐसे ही है, सारी तो जहालत है। तो एक मतलब एक बहुत मनफी पहलू बच्चों के दिमाग में जो है ना वो परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके हम ठीक है मामलात आते हैं घर में, लेकिन उन्हीं मामलात को अगर बहुत अच्छे और खुश उसलूबी के साथ हम हल करें, इस चीज़ को देखते हुए अगर हमें अपना नहीं ख्याल तो अपने बच्चों का ख्याल करते हुए हम बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ, और उसमें तू के लफ्ज़ को इस्तेमाल ना करें, उसमें गालियों को इस्तेमाल ना करें, उसमें हमारा रवैया बहुत ज़्यादा जो है ना वो ना हो। देखें इस्लाम ने हमें कितना ज़बरदस्त एक घराने का माहौल दिया। अगर आपको गुस्सा आया, गुस्सा पीने पर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार जो है ना मुबाह कर देंगे मुसलमान, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप गुस्सा आया आपको ठीक है, इंसान की फितरत है गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस गुस्से में और हो जाना और फिर गिलास उठा के तोड़ना और ये करना, ये सारे काम फिर ये जहालत और मनफी काम होते हैं, और इससे आपके बच्चों में इंतहाई नेगेटिविटी और मनफी तासुर जाता है, जिससे उनकी तरबियत में यकीनन एक बहुत बड़ी कमी और कोताही दे जाती है। इसलिए वालदैन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और आज के माशरे में तो ख़ास कर, क्योंकि बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं, इतने हसास हो गए हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बात को वो नोट करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वो अपने दिमागों में यहीं से बचपन से ही बिठाना शुरू कर दें तो बड़े होकर फिर क्या बनेंगे, बाहर भी उनका वही रवैया होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो पहली दर्शा जिस तरह घर को कहा गया है, माँ की गोद को कहा गया है, तो माँ सही से तरबियत करेगी, माँ बच्चे के जहन में इस तरह के हालात और मामला पैदा होने ही नहीं देगी, तो ये बहस और मोबाइल से इस तरह की बातें होंगी नहीं। डॉक्टर नसर साहब, आप मुझसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जो आजकल के नौजवान हैं, नौजवान इवन दो जो बच्चे भी हैं वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं, कोई भी बात होती है जब समझाने की होती है तो कहते हैं कि अम्मा आपको नहीं पता, अब आपको नहीं पता, जैसे कि वो सब जानते हैं अम्मा अब्बा को कुछ नहीं पता। ये चीज़ें उनमें माशरती सिस्टम में ज़ाहिर है जो वो जिस माशरे में वो परवान चढ़ रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, तो इसकी वजह भी यही है कि आया गैर ज़रूरी मुकालमाबाजी या गैर ज़रूरी बहस मुबाहिस या गैर ज़रूरी जो सोशल मीडिया में जिस तरह की जो बातें हैं, इस तरह बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल्ड कर दिया गया है, और जो एक जनरेशन गैप है जो ख़त्म हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? बहुत अहम और बुनियादी सवाल है मौजूद से मुतालिक। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त